नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ के 2024 के एक बड़े अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, एक बड़ी खुशखबरी के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप सभी पीएफ मेंबर्स खुशी से झूम उठोगे। जी हां, आप सभी पीएफ मेंबर्स को बता दूं कि पीएफ ऑफिस द्वारा पीएफ के डिपार्टमेंट में पीएफ की वेबसाइट में एक बड़ा बदलाव किया गया, एक बड़ा अपडेट किया गया है, जिससे आप सभी पीएफ मेंबर्स को काफ़ी बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी हां, आप सभी पीएफ मेंबर्स को पहले ही बता देता हूं कि कौन सा फायदा अपडेट से आप सभी पीएफ मेंबर्स को मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा भाई, जो आपके पीएफ में आपका नाम गलत होता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, फादर नेम गलत होता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एग्जिट, मतलब कुछ भी गलत होता है और वो आप करेक्शन करते हो ना, तो पहले क्या होता था, जो करेक्शन है वो काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग में पड़ा रहता था। मतलब कि भैया दो दो तीन तीन महीने तक करेक्शन होता ही नहीं था, मेंबर रिक्वेस्ट डालते थे लेकिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं होती थी, पीएफ का जो करेक्शन है वो सक्सेसफुल होता ही नहीं था। तो अब आपको इससे फाइनली छुटकारा मिल गया, आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, ईपीएफओ ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसकी मदद से अब आपके पीएफ के जितने भी करेक्शन के काम है जो भी है वो बहुत जल्दी जल्दी अपडेट किए जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, और यही नहीं, पीएफ के जो भी काम है वो बिल्कुल फास्ट होंगे, चाहे पीएफ का क्लेम सेटल होना हो, मतलब कोई से भी काम। तो पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी आप सभी पीएफ मेंबर्स को इस अपडेट से रिलेटेड इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पीएफ मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहां पर आप देख सकते हैं हम इस वक्त पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहां पर अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट मुद्दे की बात करते हैं। यहां पर आप देखिए, मैं जो हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां आ गया हूं। यहां पर जो हमारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने 1 जून 2024 को एक नया यहां पर प्रेस रिलीज किया है, एक प्रेस जारी किया है। यहां पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब यहां पर मैं उनकी पीडीएफ ओपन कर लेता हूं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूं। यहां पर आप देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपको इंग्लिश में भी अच्छे से समझाऊंगा, हिंदी में भी अच्छे से समझाऊंगा, तो बिल्कुल आंख कान खोल के बिल्कुल अच्छे से समझिए। यहां पर आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी भारत का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लॉन्च ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर यानी एक नए ऐप का, एक नए सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया गया है। फंक्शनैलिटी फॉर ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ द पीएफ मेंबर टू अपडेट करेक्ट देयर मेंबर प्रोफाइल, मतलब कि ईपीएफओ द्वारा एक नए सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया गया है, मतलब जारी किया गया है, किस लिए, पीएफ मेंबर के जो भी हमारे पीएफ में प्रोफाइल करेक्ट होती थी अपडेट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, उसके लिए जारी किया है। जी हाँ, अब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ बिल्कुल अच्छे से। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया, ये उर्दू, हिंदी एमपी, मतलब मराठी, तमिल में हर जगह ही मतलब ये अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर हिंदी में कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पीएफ सदस्य की ऑनलाइन फाइलिंग की के लिए एक नए सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता का शुभ आरंभ हुआ, ताकि वह अपने सदस्यों के प्रोफाइल का अद्यतन सही कर सकें, मतलब जो हमारी पीएफ की डिटेल वगैरह है वो अच्छे से सही कर सकें। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ पढ़ के अच्छे से बताता हूँ, काम काम की चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने निशान लगा दिया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सदस्य की संख्या और इसमें किए गए वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। भाई एक तो है लेकिन काम अच्छे नहीं करता, मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। वर्तमान में लगभग 7.5 करोड़ सदस्य, यहाँ आप देख सकते हैं 7.5 करोड़ सदस्य हर महीने भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं के लिए सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। हाँ ये तो ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, इस वित्तीय वर्ष यानी इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 महीने में ही आवास के लिए अग्रिम राशि, बच्चों की मैट्रिक के बाद की शिक्षा, विवाह, बीमारी, अंतिम भविष्य निधि निपटान, पेंशन, बीमा आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के रूप में लगभग 87 लाख दावों का निपटान किया गया। मतलब कि पीएफ मेंबर 87 लाख फॉर्म भी भरे थे अपने, मतलब कह सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी भी चीज के लिए 87 लाख फॉर्म भरे, उनका निपटान भी किया गया, ठीक है ओके। पीएफ सदस्य की का इन लाभों का दावा ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, या एक मजबूत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से संभव हुआ है, जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन में सदस्य के डाटा को मान्य करता है। मतलब कि भैया यहाँ पर क्लियरली मतलब समझाने वाली इतनी बात है कि ईपीएफओ द्वारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, जो कि पीएफ मेंबर के लिए नहीं है, उनके ही डिपार्टमेंट के लिए है। ऐसा मत समझना पीएफ मेंबर को सॉफ्टवेयर का एक्सेस देंगे, ऐसा नहीं है, पीएफ ऑफिस के लिए ही वो है, जिससे कि पीएफ का जो काम है वो जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर का सर्वर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल अच्छे से काम करता है। लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस क्या है, मेरा रिव्यू क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि ये तो भैया ये ईपीएफओ ने एक प्रेस में कह दिया, लेकिन मुझे इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जी हाँ, क्योंकि मैं तो भैया 5-6 सालों से देख रहा हूँ, ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है, तो बाकी अभी तो 1-2 महीने में पता चल ही जाएगा कि कितना काम कितनी जल्दी फास्ट हो रहा है, करेक्शन कितना फास्ट हो रहा है, पीएफ क्लेम कितनी ज़्यादा फास्ट हो रही है। अगर आपका पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस में पड़ा है तो एक कमेंट करना,
जल्द ही एक्सपोज की वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, जो कि ईपीएफओ का प्रेस आया था वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपके मन में कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब भाई आप लोग कहोगे पूरा का पूरा पढ़ के क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैंने पढ़ लिया, मैंने समझ लिया और मैंने आपको वो बिल्कुल दो लाइनों में, मतलब 100 लाइन का काम 2 लाइनों में आपको बता दिया कि यही है केवल कि भैया एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, ईपीएफ का काम जल्दी होगा बस। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।